दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है, तो कुछ ऐसे भी देश हैं जहां कोरोना का कहर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले ही स्पेन की सरकार ने बच्चों को 6 हफ्ते बाद घरों से 1 घंटे के लिए बाहर जाकर खेलने की अनुमति दी थी। अब डेनमार्क से भी बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। डेनमार्क में 1 महीने बंद रहने के बाद 15 अप्रैल से स्कूलों को पहले ही खोल दिया गया था। साथ ही स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब डेनमार्क में बच्चों के लिए ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। डेनमार्क में दुनिया के दूसरे सबसे पुराने अम्यूजमेंट पार्क ने मंगलवार को नर्सरी के बच्चों को फ्री एंट्री दी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये बच्चे इस खूबसूरत अम्यूजमेंट पार्क में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि टिवोली गार्डन इसी साल अगस्त में अपनी 176वीं स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इसी को देखते हुए इस अम्यूजमेंट पार्क ने समय समय पर छात्रों के लिए फ्री एंट्री की व्यवस्था की है।